2012 में हुए कुख्यात सुपारी किलर मनीष श्रीवास की हत्या की गुत्थी नागपुर क्राइम ब्रांच ने सुलझा दी है। मनीष श्रीवास की हत्या का मामला सुलझाने में नागपुर पुलिस को 9 साल लग गए। मनीष श्रीवास की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कालूहाटे, भरतहाटे और नब्बू शामिल है। कैसे और क्यों की गई कुख्यात सुपारी किलर मनीष श्रीवास की हत्या, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। साल 2012, नागपुर में कुछ सुपारी किलर का राज था। उनमें से एक था रंजीत सफेलकर और एक था मनीष श्रीवास। दोनों पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन बादशाही की दुनिया में दोनों में फूट पड़ गई। 2012 में मार्च महीने में मनीष श्रीवास अचानक गायब हो गया। किसी को पता नहीं था कि वो कहां गया। 2016 में मनीष श्रीवास की पत्नी ने अपने पति मनीष श्रीवास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब से अब तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि कुख्यात सुपारी किलर मनीष श्रीवास की हत्या की गई थी। नागपुर क्राइम ब्रांच ने हत्या के 9 साल के बाद ये हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए ये खुलासा किया है। मनीष श्रीवास की हत्या क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब भी अब मिल चुका है। 2012 में मनीष श्रीवास का नाम गुंडागर्दी और सुपारी लेकर लोगों की हत्या करने के लिए उसका नाम बढ़ता जा रहा था। उसी समय रंजीत सफेलकर भी इसी दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था। ऐसे में जब दोनों में आपसी मनमुटाव हुआ, तब मनीष श्रीवास ने रंजीत सफेलकर को टपकाने की ठानी। ये बात रंजीत सफेलकर को पता चली, तब रंजीत ने ही मनीष की विकेट उड़ाने की ठान ली। मनीष श्रीवास को लड़कियों का शौक था, ये बात रंजीत सफेलकर और उसके साथीदारों को पता थी। इसलिए छोटू बागड़े ने मनीष श्रीवास को एक रोज रामटेक में कॉलगर दिलाई। अगले रोज भी छोटू बागड़े ने कॉलगर के नाम पर मनीष श्रीवास को पवन गांव के फार्म हाउस ले गया, जहां पहले से ही शरद उर्फ कालूहाटे, भरतहाटे, ईसा मस्ते और नब्बू शस्त्रों के साथ मौजूद थे। वही उन्होंने मनीष की हत्या की और मनीष श्रीवास के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसके टुकड़ों को वही जंगल में जला दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। आरोपी में से एक इसाक मस्ते को मनीष श्रीवास ने हत्या के कुछ रोज पहले मारा था। उसी की आग इसाक मस्ते के सीने में जल रही थी। इसाक मस्ते पर भी हत्या के मामले दर्ज है। निष्पन्न झालेले आहे की अंदाजन 28 फेब्रुवारी 2012 ते 5 मार्च 2012 या कालाचे दरम्यान मनीष श्रीवास हे जे एक काही गुन्ह्यामध्ये रिकॉर्डवरचे आरोपी होता, त्यांना एका छोटू बागडे नावाचे इस्मानी त्यांना काही प्रलोभन देऊन त्यांना आपल्याकडे त्यांच्याकडे बोलावला आणि त्यांना तिथून जुनी कामटी आणि कलमनाचे बॉर्डरमध्ये एका शेतीमध्ये घेऊन जाऊन तिथे एक कमरा होता, त्यामध्ये मनीष श्रीवास एका मुलींसोबत तिथे होता, त्यांना तिथे घेऊन गेले त्यांना आणि मनीष श्रीवासला धारदार शस्त्रांनी त्याच शेतीमध्ये त्यांचे मर्डर केल्यानंतर त्यांना एक सँट्रो कारमध्ये घेऊन डेड बॉडी कामटीमध्ये एका घराकडे घेऊन गेला। त्या घरात ते बॉडीला चॉप करून वेग छोट लहान लहान पीसेसमध्ये बॉडीला करून एक गनी बॅग बोऱ्यामध्ये भरून ते बॉडी डिस्पोज ऑफ करण्यात आला। ही गोष्टी तपासामध्ये निष्पन्न झालेली आहे। यामध्ये आरोपी रंजीत सापेलकर, कालू हाटे, भरत हाटे, छोटू बागडे, हेमंत गोरखा, इसाक मस्क्या आणि इतर दोन लोग असे या पूर्ण कटमध्ये सामील झाल्याची निष्पन्न झालेली आहे। यामध्ये पोलिसांना विटनेसेस भेटलेले आहे, तसेच आरोपी यांनी पण या जे विटनेसेस जे सांगण्याप्रमाणे त्यांनी पण कबुली देऊन ते दुजरात दिलेली आहे। नागपूर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया है, जिनमें कालूहाटे, भरत हाटे और नब्बू शामिल है। अभी हत्या का मुख्य आरोपी रंजीत सफेलकर फरार है। जब इन तीनों आरोपियों को पकड़ा गया, तब रंजीत सफेलकर भी वहां मौजूद था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो वहां से फरार हो गया। रंजीत सापेलकर आणि त्यांचे गैंग हे कामटी हद्दी आणि नागपूर शहरामध्ये अत्यंत गंभीर प्रकाराची गुन्हेगारी टोलीकडून अशा प्रकारचे कृत्य वेरुवेळी केलेले आहे आणि त्यांचे विरुद्ध आणखी काही लोकांची तक्रार असतील
फिर्याद असतील किंवा त्यांच्याबद्दल माहिती असतील तर नक्कीच पोलिसांकडे द्यावी, त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। अपराध के इस दुनिया में रंजीत सफेलकर ने अपनी अलग पहचान बना रखी है। रंजीत सफेलकर जिस किसी समारोह में जाता था वहाँ उसके लिए डॉन का गाना बजता था। अब इस अपराध की दुनिया के बादशाह की बादशाह खत्म होती दिखाई दे रही है। पहले आर्किटेक्ट निमगढ़ की हत्या में रंजीत सफेलकर का नाम का खुलासा नागपुर पुलिस आयुक्त ने किया था, अब मनीष श्रीवास की हत्या का मुख्य आरोपी भी रंजीत सफेलकर है। इन दोनों मामले में कभी भी रंजीत सफेलकर की गिरफ्तारी हो सकती है, जिससे नागपुर में अपराध की दुनिया में सन्नाटा जरूर छाएगा। महाराष्ट्र TV 24 के लिए रितेश बोरकर और अमित मांद्रे की रिपोर्ट।